तो सैमसंग आ चुका है टॉप पर, लेकिन कैसे? अगर आप ध्यान से देखें ना, देन इनका कोई भी एक ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में बेस्ट हो या फिर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए सैमसंग A54, अगर आप देखें ना, जो स्पेसिफिकेशन हमें इस स्मार्टफोन में मिल रहे हैं वो बाकी के सब ब्रांड जो है वो 20 से 25 हजार रुपए वाली रेंज में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इतना ओवर प्राइस होने के बावजूद भी सैमसंग टॉप पर है। इसके पीछे 6 सबसे बड़े रीजन है। आइए एक एक करके सभी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं और जानते हैं कि सैमसंग ये सब कैसे मैनेज कर पा रहा है और सबसे टॉप में कैसे रह पा रहा है। पिछले कुछ सालों से लोगों को एक चीज अच्छे से समझ आ गई है कि जो स्पेसिफिकेशंस हैं इनसे तो स्मार्टफोन चलता है, लेकिन अभी यूजर्स को एक अच्छा यूजर इंटरफेस भी चाहिए। तो अभी अगर देखें ना, सैमसंग को छोड़कर शायद ही कोई एक ऐसी कंपनी होगी जिसके सॉफ्टवेयर में कोई किसी तरह का इशू ना हो, या तो उनमें स्मूथनेस के इश्यूज मिलेंगे या फिर उसमें बग्स वगैरह भर भर के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सैमसंग और गूगल को छोड़कर शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जो कि कंसिस्टेंसी से सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करती है। अभी जो गूगल है, गूगल तो इसलिए प्रोवाइड कर पाती है क्योंकि उनका खुद का एंड्रॉइड है, खुद के स्मार्टफोन है, तो सबसे पहले वो पहल जो है वो अपने स्मार्टफोन्स को ही देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर सैमसंग को देखा जाए, सैमसंग के M20 जैसे जो 3 साल पहले स्मार्टफोन्स आए थे वो आज के टाइम भी टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है रिसीव कर पा रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम रियलमी जैसी कंपनीज को देखें, वो 2 या 3 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो प्रोमिस करती हैं, लेकिन इतने टाइम तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिसीव नहीं हो पाती है। या तो उनके स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड 12 पर ही चल रहे हैं या फिर अगर उनको एंड्रॉइड 13 आएगा देन उस टाइम मिलेगा जब एंड्रॉइड 14 रोल आउट हो चुका होगा। इनमें से एक ऐसी कंपनी थी जो मुझे लगता था कि हाँ ये कंपनी एक अच्छे लेवल का कर सकती है, लेकिन उसमें भी काफी सारे इश्यूज हैं, जैसे कि मोटोरोला। मोटोरोला में सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो हैं वो ना तो टाइम टू टाइम आ पाती हैं, ना उनकी जो स्टेबल अपडेट्स होती हैं वो एक्चुअल में स्टेबल रहती हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें ना, देन जो मोस्टली इश्यूज आए हैं ना स्मार्टफोन्स में वो चाइनीज फोन्स में ही इश्यूज आए हैं। नो डाउट सैमसंग के भी फोन्स में इश्यूज आए हैं, जैसे कि S21 FE में ग्रीन लाइन जैसे इश्यूज आए हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें ना मोटोरोला के स्मार्टफोन्स के बारे में, इसमें तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स ही टाइम टू टाइम नहीं आ पा रही हैं, सॉफ्टवेयर में बग्स काफी ज्यादा भरे पड़े हैं। OnePlus जो है वो ओप्पो बनता जा रहा है, इनके जो ऑक्सीजन OS है वो कलर OS बनता जा रहा है, फोन जो है वो रखे रखे ब्लास्ट हो रहे हैं इनके, और इस पर तो मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दी थी कि OnePlus Note 2 क्यों ब्लास्ट हो रहे हैं। इसके अलावा पोको का तो मैं क्या ही बताऊं, 12 बिट का ये पैनल प्रोवाइड करते हैं और वही पैनल इनका चलता नहीं है। इनिशियल सेल्स में इतने ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं पोको के तो, कि लोग जो हैं स्विच करने पे मजबूर हो रहे हैं। और वहीं अगर बात करिए लावा और इन्फिनिक्स के बारे में, ये इतनी बड़ी कंपनीज नहीं है कि इनको मैं डायरेक्टली कंपेयर कर पाऊं रियलमी शाओमी या फिर OnePlus जैसी कंपनीज के साथ में, लेकिन स्टिल ये एक अच्छा शेयर लेकर बैठे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है बाकी की कंपनीज के साथ में। और वहीं अगर देखा जाए ना, जो मोस्टली इश्यूज आ रहे हैं वो चाइनीज फोन्स में ही आ रहे हैं, और ये जो चाइनीज कंपनीज है वो इश्यूज फिक्स भी नहीं कर रही है, बल्कि जो वारंटी है वही एक्सटेंड करके दे रही है। सपोज एक पर्सन ने स्मार्टफोन बाय करना है जिसका जो बजट है वो 30 से 35 हजार रुपए है, और उसकी जो मंथली सैलरी के हिसाब से वो अपना जो बजट है वो उसको इतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते है। तो अभी उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं? अगर देखा जाए वो 30 से 35 हजार रुपए में या फिर 30 से 40 हजार रुपए में वो अभी एक आईफोन तो नहीं बाय कर सकता है, क्योंकि अगर आईफोन बाय कर भी लेगा या तो वो सेकंड हैंड होगा या फिर वो सेल में लेगा, वो भी 3 से 4 साल पुराना। और इसके अलावा उसके पास में ऑप्शंस क्या बचते हैं? जैसे कि चाइनीज कंपनीज देखा जाए, मोटोरोला सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, चाइनीज कंपनीज इश्यूज फिक्स नहीं कर पा रही है, नथिंग कंपनी अभी जस्ट न्यू है उससे आप इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते हैं। तो लास्ट में ऑप्शन बचता है सैमसंग का। सैमसंग जो है एक अश्योरिटी दे देता है यूजर को कि हाँ भाई मुझसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो मत रखना, लेकिन जितना साथ हो पाएगा उतना साथ मैं तेरा दूंगा। तो एक नॉर्मल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, देन उस यूजर ने ज्यादा हैवी गेमिंग तो नहीं करनी है या फिर हैवी टास्क परफॉर्म नहीं करने हैं, ज्यादा से ज्यादा वो अपने काम के ही एप्स यहाँ पर यूज करेगा, जैसे कि व्हाट्सएप यूज कर लेगा, इंस्टाग्राम यूज कर लेगा, ट्विटर वगैरह यूज कर लेगा, या फिर इससे ज्यादा वो मूवीज वगैरह देख लेगा। तो इन चीजों को यूज करने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी डिस्प्ले, एक अच्छी बैटरी। तो ये सैमसंग जो है अच्छे से मैनेज भी कर पा रहा है और अच्छे से प्रोवाइड भी कर पा रहा है। एक नॉर्मल ह्यूमन के हिसाब से उनको एक स्मार्टफोन चाहिए जो बेसिक चीजों में अच्छा हो, जैसे कि कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी खासी मिल जाए, बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी खासी देखने को मिल जाए। सैमसंग जो है इन तीनों चीजों को अच्छे से मैनेज भी कर पा रहा है और अच्छे से ऑफर भी कर पा रहा है। तो एक रैंडम यूजर क्यों जाएगा किसी चाइनीज कंपनी के पास में? ह्यूमन आइज को 8 बिट या फिर 10 बिट वाले पैनल में डिफरेंस नहीं पता चल पाता है, तो वो 12 बिट वाले पैनल का क्या ही करेगा। सिमिलरली एक नॉर्मल यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके स्मार्टफोन में कितनी फास्ट चार्जिंग देने को मिल रही है, 67 वोल्ट की है, 100 वोल्ट की है, इससे उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सैमसंग जो है वो अच्छे से 30 या फिर 33 वोल्ट की अगर फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है देन मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। सैमसंग एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे एप्पल काम करता है। एप्पल को पता है कि उनके जो स्मार्टफोन्स है वो काफी बड़ी ऑडियंस बाय करती है, और उनको एक चीज अच्छे से समझ आती है कि ऐसे फीचर्स देने का कोई फायदा नहीं है जिनसे यूजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि अगर आप
सैमसंग के लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जानना चाहते हैं सैमसंग गैलेक्सी F54 के बारे में, उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।